नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये लेमन प्लांट की नींबू की कटिंग लगाना सिखाऊंगा। ये हमारे जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं इनकी कटिंग बड़ी आसानी से लग जाती है। हमें जो कटिंग है ये इनके ग्रोथ पीरियड में लगानी चाहिए, जब हमारा ग्रोथ का टाइम हो पेड़ पौधों का, उस टाइम। फिलहाल मैंने ये जो थोड़े अपने नींबू के पेड़ की कटिंग की है, तो इस कारण मैंने ये कटिंग लगा रहा हूँ सारी की सारी। आप भी अपने पेड़ की कटिंग लगा सकते हैं, एक से दो, दो से तीन, इस तरीके से आप अपने पेड़ को बढ़ा सकते हैं। ये कटिंग लगाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम इस तरीके से कटिंग लेंगे, इसके सारी पत्तियाँ उतार देंगे, ठीक है। उतारने के बाद हम इन पत्तियों को जो हमारा ये पेड़ बचेगा, जो हमारी लकड़ी बचेगी, इसे हम पानी में भिगो देंगे एक दिन के लिए, ठीक है, या कुछ घंटों के लिए। उसके बाद हमारे पास एक रूटेक्स पाउडर आता है, जो कुछ मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में, जब मैं कटिंग लगाऊंगा बाहर, तो हम इस तरीके से इसे लगा देंगे। हमें पेड़ को हमेशा उसके नोड एरिया के करीब से लगाना चाहिए, जिस कारण उसमें रूटिंग जल्दी हो। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे नोड बना हुआ है, तो मैं अगर इसे यहाँ से लगाऊंगा तो ये जल्दी बन जाएगी। हमें अपनी कटिंग की 6 से 7 इंच की कटिंग लेनी चाहिए, और ऊपर की जो हमारी, अगर जैसे ये टिप है तो ये कभी कभी जल्दी सूख जाती है, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि ये 6 से 7 इंच की हो। अगर थोड़ी बहुत सूख भी जाए ऊपर से, तो उसमें बहुत सारे नोड हो, कम से कम 3 नोड नीचे होने चाहिए, जो मैं उसे दबा सकूं और जिससे रूटिंग जल्दी हो सके। इस तरीके से मैं इसे पानी में थोड़ी देर डुबा दूंगा, जिससे ये पानी एब्जॉर्ब कर ले और एकदम से सूखे ना। बाकी मैं आपको बाहर जाके ये दिखाता हूं कि मैं इसमें कैसे रूटेक्स पाउडर प्रयोग करता हूं और फिर कटिंग को किस तरीके से लगाता हूं। आप इसमें हनी का, एलोवेरा जेल का, सिनेमन पाउडर का, हल्दी का इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, जिससे ये एक तो ये सड़े ना नीचे से, और कभी कभी रूटेक्स पाउडर की ज़रूरत भी नहीं होती, कभी कभी कटिंग अपने आप भी अपने सीजन में ग्रोथ ले लेती है। तो हम लोगों को इस तरीके से इसे भिगो के फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि किस हिसाब से आपने आगे काम करना है। आप लोग देखिए दोस्तों, ये रूटेक्स पाउडर होता है, इसमें 1, 2, 3 नंबर का आता है, ठीक है। आप इसे इस तरीके से कटिंग को लेंगे, यहाँ से इसे काटेंगे नोड एरिया से, और इसे इस तरीके से इसमें डुबा के यहाँ पे लगा देंगे, और इसमें कुछ 6-7 महीने में रूटिंग हो जाएगी। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो 3 नोड है, ये हमारे हमेशा नीचे दबे रहेंगे, और हमें इसे डेली मॉइस्ट रखना है सॉइल को। ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं, हमने पानी डाल दिया और कटिंग हिलने लगी। हमें अपनी कटिंग हिलानी नहीं है जितनी भी टाइम हो सके। आप इस तरीके से अपने नींबू के पेड़ की कटिंग लगाइए, और देखिए मैंने ये बहुत सारी कटिंग लगा रखी है। ये हमारे अंगूर के पेड़ की है, ये हमारी पेपरमेंट की है, और ये सारी बहुत सारी कटिंग अभी चलना शुरू हो जाएंगी थोड़े दिनों में, ठीक है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने घर पर कटिंग लगाइए और बहुत सारे पेड़ बनाइए। धन्यवाद आप सभी का।